रुक जा मेरी राधा रानी, रुक जा। सच कह रहा हूँ, रोज तो पीली बत्ती की आड़ में निकल जाती है, आज तो रुक जा। हाँ, आज तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते जी। अरे आज अगर मुझे देर हो गई ना तो फिर वो निकल जाएगा। हाँ वो। अरे राधा रानी, ऐसा है तो तू यही कर ले। अच्छा अच्छा राधा रानी, एक काम करता हूँ राधा रानी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम यही हल्की हो जाओ। हाँ। अरे जैसे गंदे तुम हो ना वैसी गंदी तुम्हारी ज़हनियत। मैं रेडिएटर के पानी की बात कर रही थी। हाँ और तुम्हारी इसी ज़हनियत की वजह से ना कोई कार इस सिग्नल पे नहीं रुकती, जिसकी वजह से उस मुश्तंडे हवलदार के मजे आ जाते हैं, वो जो पेड़ की आड़ में खड़ा होकर सबके चालान काटता रहता है। हाँ हाँ चलो अच्छा है राधा रानी, मेरी वजह से किसी के तो मजे है, वरना जानियो तुम तो मुझ पर नजरें भी नहीं डालती। हाँ है, कैसे नजर डालूं जी, सर पे रेड लाइट लिए घूमते रहते हो, अच्छे खासे एरिया को रेड लाइट एरिया बना दिया तुमने। हाँ अरे राधा रानी, राधा रानी मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाँ है, क्या बताऊं जी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए ट्रक ढूंढ रहे ना। अरे उसी ट्रक की ठरक की वजह से तो परेशान हूँ मैं। राधा रानी कौन है वो ट्रक? वो बैठा सामने, सारा दिन कारों से लाइन मारता फिरता है, और अभी तो मर्सिडीज को लिए बैठा बगल में। हाँ और ये बताओ, ये हाथ पीले होने की बात है या लाल पीले होने की? राधा रानी, राधा रानी, लाल पीला होना तो मेरा काम है, इसीलिए तो लोग मुझे आवक जावक लंबक सूचक डंडा कहते हैं। अरे तेरी सारी चीजें तो किसी काम की नहीं है, बस डंडा ही काम आता है। सच कह रही हो राधा रानी, और लोग आके झंडा टांग के चले जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि दिल पर क्या गुजरती है, जब काली शीशों वाली गाड़ी आकर अचानक रुक जाती है और हिलने लगती है। अगर कोई कार आकर ऐसे हिलने लगे ना तो समझ लेना वर्क इन प्रोग्रेस, रिपेयरिंग का। अच्छा 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 राधा रानी, मतलब परसों जो गाड़ी आकर रुकी थी और काफी देर तक हिल रही थी, उसमें काम चालू था, रिपेयरिंग का? अरे नहीं नहीं, वो उसमें तो जी अर्चना जी थी। अर्चना जी? हाँ, वो परमित जी के किसी जोक पे जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, अरे वाह, इनके हंसने से कार हिल जाती है। अरे कार तो क्या, ये तो पूरा स्टूडियो हिला देती है जी, कार तो बहुत छोटी चीज है। अरे वाह, अरे राधा रानी, ये क्या, ये क्या राधा रानी, तुम्हारी तुम्हारे डिक्की पर डेंट, क्या फिर कोई ठोक गया? अरे वो एक ट्रक था, ट्रक ना उसने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया और ये डेंट हो गया। अरे राधा रानी, सच में वो बदमाश ट्रक होगा। अरे जब से गदर फिल्म में उसे रोल क्या मिल गया राधा रानी, अपने आप को सनी डियोल समझता फिरता है, दिमाग खराब हो गया उस कमीने का, छोटे छोटे मासूम गाड़ियों को देखता नहीं है, बस ठोकता फिरता है। कोई उसका चलान नहीं करता जी। ए, बड़ा शाना है वो, ठोकने में रुकावट ना है इसीलिए सुबह चलान कटवा लेता है, फिर दुनिया भर को बोल के ठोकता है, चलाने भाई, चलाने भाई, चलाने भाई। है। सच कह रहा हूँ, इतने चलान इकट्ठे हो गए, बहुत जल्द अपने मालिक की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कहता फिरेगा। अच्छा सुनो, अब तुम जल्दी से हरे हो जाओ और मुझे जाने दो। अरे राधा रानी, सुनो राधा रानी, जाने से पहले एक बात तो बताओ, कल तुम वहाँ अकेली अंधेरे में क्या कर रही थी राधा रानी, वहाँ तो कोई ठरक भी नहीं था। अरे वो तो मैं ना अपने फ्रेंड के साथ थी वहाँ पर। कौन फ्रेंड राधा रानी? हमारे सांप का ड्राइवर, पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। राधा रानी मैं एक बात बता तू, मैं ये इंसान है कभी भी तकलीफ दे देंगे तुझे। हाँ वो मुझे तकलीफ देता है, लेकिन 6 महीने में एक बार है? जब वो PUC कराता है मेरा। राधा रानी, राधा रानी मेरी बात मान, राधा रानी उसे छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, सच कह रहा हूँ कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुझे। जरा सोच राधा रानी, हमारे छोटे छोटे मासूम इंडिकेटर जैसे बच्चे पैदा हो गए राधा रानी। हाँ है, ये तो जी बड़ी अच्छी बात है जी, चलो फिर जल्दी से गले मिल लो राधा रानी। हाँ है,
अभी तो प्यार स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी से छापा पड़ गया। अरे राधा रानी, ये छापा नहीं है, यहाँ से कोई नेता गुजरने वाला होगा। मैं तुझे दुआ करती हूँ जितने भी करप्ट नेता है ना, सब जल्दी से गुजर जाए। अच्छा सुनो, अब चलती हूँ मैं। ये राधा रानी, सुन मेरी बात, चलती हूँ मत बोला कर, बड़ा गंदा लगता है, जाती हूँ बोल। हाँ, फिर वही गंदी जहनियत, अगर तुमने अपना जहन ठीक नहीं किया ना, तो फिर मैं अगले वाले सिग्नल से शादी कर लूंगी। हाँ बाय। ये राधा रानी, जाने से पहले मार्क्स तो ले ले राधा रानी।